मेम साहब कपड़े। अरे क्या बात है कमला, आजकल तो तेरे रंग और रूप दोनों ही बदल गए। कोई लॉटरी वॉटरी तो नहीं लग गई? एरा मेरा बम्पर प्राइस ओसवाल सामू। अब धुलाई में मेहनत हो गई कम, सफेदी में आ गया दुगना दम। मेम साहब आपकी नहीं हम सबकी पसंद ओसवाल साबुन। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। महान सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह शरीफ की प्रबंध संभालने वाली दरगाह कमेटी दरगाह ख्वाजा साहब अजमेर ने दरगाह आने वाले जायरीन की कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए परिसर को कोविड कोड से शील्ड कवर करवाया है। इस एंटीवायरस नैनो टेक्नोलॉजी से फायदा यह होगा कि अगले 90 दिनों के लिए परिसर पूरी तरह से कोरोना वायरस से सुरक्षित रहेगा। यदि इस दौरान परिसर को सैनिटाइज नहीं करवाया जाता है तो भी, या फिर कोई कोरोना संक्रमित प्रवेश कर जाता है फिर भी परिसर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दरगाह कमेटी के कार्यवाहक नाजिम डॉक्टर आदल ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वायरस से बचाव और नियमों का पालन करते हुए 7 सितंबर को दरगाह शरीफ को जायरीन के लिए खोला गया था। इसके बाद से ही दरगाह कमेटी का प्रयास रहा है कि परिसर को पूरी तरह से स्वच्छ और सुरक्षित रखा जाए। इसी क्रम में राष्ट्रीय परीक्षण और संशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड भारत सरकार और यूनाइटेड स्टेट्स की एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी द्वारा से स्वीकृत अंतरिक्ष इंजीनियरिंग फर्म जयपुर द्वारा दरगाह शरीफ में कोविड कोट करवाया गया है। इस सतह पर सेल्फ डिसइंफेक्टिव प्रॉपर्टी पैदा कर देता है जिससे वो सतह पूरी तरह से वायरस प्रूफ हो जाती है और ये सतह स्थान को हॉटस्पॉट नहीं बने देती है। ये सारे उपाय सुरक्षा और सावधानी की एक कड़ी है। कोरोना से बचाव और एहतियात के लिए हमने काफ़ी कदम उठाए हैं और यहाँ आने वाले जायरीन को हमने उसकी हिदायतें भी दी हैं, मगर अभी फ़िलहाल एक चीज़ हमारे सामने आई थी नैनो तकनीकी कोविड कोट की, उसके ज़रिए हमने पूरी दरगाह शरीफ को अभी कोविड कोट की लेयर से कराई। एक शील्ड कवर होता है, इसकी ख़ास बात यह है कि इसे कराने के बाद 90 दिन तक वो एरिया पूरी तरह से सेफ हो जाता है। हम अगर बात करें तो हमारा मकसद ख़ास तौर से ये था कि यहाँ जो आने वाला जायरीन है वो सेफ़ रहे। अगर कोई चीज़ यहाँ पे हम सैनिटाइज़ कर रहे हैं या उसके बाद कोई इन्फेक्टेड आदमी आके जा रहा है तो दूसरों को मुतासिर ना करें। इस कोविड कोट की सबसे बड़ी ख़ास बात ये है, सपोज़ कोई इन्फेक्टेड आदमी या आ गया, उसने किसी चीज़ को टच किया या कुछ भी करा, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली इसके ऊपर जो जराइम्स हैं उसके बैक्टीरिया को मार देते हैं और अगले आने वाले के लिए वो जगह सेफ़ रहती है। वैसे दरगाह शरीफ में हर जगह को छूने के लिए चूमने के लिए मनाही की गई है, मगर फिर भी एहतियाती कदम को देखते हुए हमने इस चीज़ को दरगाह शरीफ में कराया है ताकि यहाँ आने वाला जायरीन पूरी तरह से सेफ रहे और उसे किसी भी तरह का नुकसान नहीं हो।